नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त तपन चौधरी। मैं बहुत ही बढ़िया हूं और उम्मीद करता हूं आप सब लोग भी बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत अच्छी भर्ती लेकर आया हूं जो कि आपके यहां पर निकल कर आ रही है रेलवे के अंदर। जी हां दोस्तों, आपके यहां पर रेलवे के अंदर काफी सारे वैकेंसी जिनके अंदर आप बात करें, देखिए यहां पर असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के ऊपर आपके यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में भर्तियां निकल कर आ रही हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर इसी के बारे में बात करेंगे कि आपके लिए कि आपके यहाँ पर जो रेलवे के अंदर निकली हुई भर्तियां हैं इनमें अप्लाई करने के लिए क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी क्या आपकी योग्यता चाहिए और इसी के साथ साथ इसमें अप्लाई करने के लिए क्या आपके यहाँ पर एज लिमिट मांगी गई है, क्या आपके यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स रहने वाले यानी कि आप इसके लिए कब से लेकर कब तक अप्लाई कर सकते हो और इसके साथ साथ इसमें अप्लाई करने के बाद क्या आपका इसके अंदर पे स्केल यानी कि सैलरी रहने वाली है यानी और इसके साथ साथ जैसे आपकी इसके अंदर जॉब लग जाती है तो इसके अंदर क्या आपके यहाँ पर पे स्केल रहने वाला है यानी कि आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है और इसके साथ साथ इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस है यानी कि जो चयन प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है यानी कि आपका जो सिलेक्शन है वो किस बेस पे लिया जाएगा और क्या आपके यहाँ पर इसके अंदर अप्लाई मोड रहने वाला है यानी कि आप इसके अंदर किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, आपके यहाँ पर रेलवे के अंदर निकली हुई भर्तियों की संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी घंटी को दबाया ऑल पर टिक करें क्योंकि मैं इसी प्रकार के अलग अलग गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली जो सरकारी भर्तियां हैं और जो अलग अलग इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स हैं उनको लेकर वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो कल को गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी भर्ती आती है, कोई भी आती है अपडेट, तो आपको उसकी जानकारी सबसे पहले अपने फोन पर मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करें हम आपके यहाँ पर आज की भर्ती की, तो वो है आपके यहाँ पर साउथ वेस्टर्न रेलवे भर्ती 2023। दोस्तों, आपके यहाँ पर साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंदर ये भर्ती निकाली गई है। बात करें इसके अंदर टोटल पोस्ट की तो आपके यहाँ पर टोटल 713 पोस्ट के ऊपर ये भर्ती है जिसके अंदर हम बात करें आपके वैकेंसी की तो मतलब कौन कौन से आपके पोस्ट हैं। तो पहली आपके यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट, दूसरी आपके यहाँ पर टेक्नीशियन, थर्ड और तीसरी है आपके यहाँ पर जूनियर इंजीनियर। और दोस्तों, इसके साथ साथ अगर हम बात करें आपके यहाँ पर ये जो पोस्ट हैं इनके अंदर अप्लाई करने के लिए आपकी जो शैक्षिक योग्यता है यानी कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगी गई है दोस्तों, तो इसके अंदर देखिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए तो इसके अंदर आपने कर रखी हो 10th पास विद ITI और डिप्लोमा विद इन रेलेवेंट ट्रेड यानी कि इसके जो रेलेवेंट ट्रेड है उसके अंदर आपने ITI कर रखी है। और बात करें आपके यहाँ पर टेक्नीशियन थर्ड ग्रेड की तो इसके अंदर आपने 10th पास कर रखी है विद ITI विद रेलेवेंट ट्रेड यानी कि इस रेलेवेंट ट्रेड के अंदर आपने ITI कर रखी है। और बात करें आपके यहाँ पर जूनियर इंजीनियर की तो उसके अंदर देखिए दोस्तों आपने डिप्लोमा कर रखा हो या फिर आपने बैचलर डिग्री जैसे कि BTech वगैरह आपने कर रखी हो जो कि आपके यहाँ पर इन रिलेवेंट डिसिप्लिन के मतलब इसके जो जूनियर इंजीनियर है इंजीनियरिंग के अंदर जो इसके रिलेवेंट जो सब्जेक्ट हैं जो BTech वगैरह होते हैं वो आपने इसके अंदर कर रखी हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर एज लिमिट की, इसमें अप्लाई करने के लिए अभी कितनी एज मांगी गई है दोस्तों, तो इसके अंदर देखिए आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल है और मैक्सिमम 47 साल है यानी कि 18 से लेकर 47 साल की उम्र तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। और इसके साथ साथ इसके अंदर एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स यानी कि आपके यहाँ पर आयु में छूट का प्रावधान भी है, वो भी आपके यहाँ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स की यानी आप इन पोस्ट के लिए इस भर्ती के लिए कब से लेकर कब तक अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। देखिए इसके अंदर आपका जो आवेदन है वो आपका 10 अगस्त से शुरू हो चुका है और आपके यहाँ पर आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो है आपके यहाँ पर 2 सितंबर यानी कि 10 अगस्त से लेकर 2 सितंबर 2023 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके साथ साथ इसमें अप्लाई करने के बाद मान लीजिए आपका इसके अंदर सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी जो सैलरी है आपकी जो तनख्वाह है वो कितनी रहने वाली है दोस्तों। तो देखिए इसके अंदर बात करें आपके यहाँ पर सैलरी की तो आपकी जो सैलरी है आपका जो वेतनमान है वो लेवल 2 के अकॉर्डिंग मिलने वाला है, वो भी आपके यहाँ पर 7 CPC पे मैट्रिक्स के अंदर। तो जिसके अंदर आपकी जो सैलरी है वो आपके यहाँ पर 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए पर मंथ यानी कि प्रति महीना रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर अप्लाई मोड की कि इसमें अप्लाई करने के लिए आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हो। तो आपका अप्लाई करना यहाँ पर ऑनलाइन है, यहाँ पर कुछ भी ऑफलाइन नहीं है, पूरी की पूरी प्रक्रिया आपके यहाँ पर अप्लाई करने की ऑनलाइन है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें आपके यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया की यानी कि आपका ये जो पोस्ट है आपके यहाँ पर
असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड जूनियर इंजीनियर इनमें अप्लाई करने के लिए आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है यानी कि आपकी एक चयन प्रक्रिया है वो किस प्रकार से रहने वाली है यानी कि आपका जो सिलेक्शन है इसमें किस बेस पे होगा, तो वो आपके यहाँ पर देखिए तीन बेस पे होगा। वो है आपके यहाँ पर CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपका या तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद में आपके यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा आपका, और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यानी कि आपका यहाँ पर CBT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, इन सब में चारों में शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आपको जो ये पोस्ट है आपके यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर इनकी पोस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा, यानी कि आपको ये पोस्ट आपकी इनके अंदर नौकरी लग जाएगी। तो दोस्तों आपके यहाँ पर साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंदर निकली हुई असिस्टेंट लोको पायलट जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की नौकरी को लेकर ये थी आपके यहाँ पर संपूर्ण जानकारी। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करें, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और दोस्तों इसके साथ साथ आपका जो ये भर्ती है, इस भर्ती की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी जो विज्ञप्ति है ये वाली, इसका लिंक, और इसके साथ साथ इसमें जो अप्लाई करने का लिंक है यानी कि इसमें आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हो तो उसका लिंक है, वो तीनों के तीनों मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप वहाँ पर जाकर उन पर क्लिक करके उनको पढ़ सकते हो, उसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आपको इस भर्ती के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप वो भी उसके अंदर उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको खोल के उसको पढ़ सकते हो। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी ली है तो कृपया आप सब लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो आप इसको डिसलाइक करें, लेकिन आप अपनी कोई ना कोई प्रतिक्रिया, अपनी कोई ना कोई राय, अपना कोई ना कोई ओपिनियन इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर कमेंट के रूप में लिख कर जरूर जाएं, जिससे कि मुझे पता लग सके आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो ये थी आपकी बड़ी और बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट। ऐसी ही और बहुत सी इम्पोर्टेंट अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी नए टॉपिक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, और आपका दिन शुभ हो।